Structural Economics उनको लेके अच्छी फिल्में बनाइए एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट जी. अब आदेश नहीं, मैं सबसे पहले, हाँ वो आप इशारा ना करते तब भी मैं बोल रहा हूँ. कपूर साहब की अभी मैं एक पुस्तक का भी देख रहा था, मलंगी, बहुत खूबसूरत लिखते हैं. वह एक सज्जन आए थे, वो बोले कि कपूर साहब जब आपकी नगीना देखी तो वो शायद वो गोदी में थे, कुछ ऐसे बोला. मैंने उनसे बोला कि मैं कपूर साहब इतने बुजुर्ग तो नहीं हुए अभी, लेकिन इनकी जो कहानियां हैं, जो नैरेटिव है फिल्म के तौर पर, कमाल किया है इन्होंने. मैं कपूर साहब से ये कहूंगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ शब्द बोलें और आपको आशीर्वाद. कपूर साहब यहाँ सब उपस्थित महानुभाव, मेरे दोस्तों, मैं इस मंच के ऊपर विनोद नेगी जी से मेरी पहचान उस समय हुई थी जिस समय अरुण कमल मिलके हम लोगों ने फर्स्ट वेब पोर्टल स्टार्ट किया था, वाहिनी न्यूज, शायद विनोद जी को याद होगा, और उन्होंने मुझे अवार्ड देके सत्कार किया था. ये मेरे ख्याल से 2007 की बात है, उस समय विधायक थे क्या बलदेव खोसला जी ने मुझे अवार्ड दिया था. मैं इनके स्प्रिट को देख के सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आज अगर आप लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति सामने आया है तो वो है विनोद नेगी जी. आज डायरेक्टर क्रिएटिव इतने लोग हैं आज पूरे हिंदुस्तान में, मुंबई में भी हैं, जो अपना क्रिएटिव दिखाने के लिए एक से एक स्टोरी बनाते हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है, उनको एक सम्मान नहीं मिलता है. डॉक्यूमेंट्री ऐसा ऐसा बनाते किए थे और वो लक्ष्मी गायब हो जाता है, जहां कचड़ा रहता है वहां लक्ष्मी गायब हो जाता है. तो इस तरह का डॉक्यूमेंट्री, इस तरह का मैसेज देना, ये एक बहुत बड़ी बात है. और मैं चाहूंगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं अपने बारे में, लेकिन मेरा एक छोटा सा जो एक मैसेज है वो दिखाया जाए. हमको है अभिमान देश पे, अतुल सर हमको अभिमान देश पे चलाइए, क्योंकि ये मेरा एक छोटा सा परिचय है समाज के लिए कि कोई भी व्यक्ति अपने करते हैं. मैं चाहता हूं कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो, इससे भी बहुत बड़ा काम कार्यक्रम हो, और मैं आज इस मन से भी इनको पूरा भरोसा दिलाता हूं, पूरा धन तन मन के साथ मैं करूंगा. हमको है अभिमान देश पे, देखिए.